दोस्तों अगर आप भी जीत हार से परे विराट कोहली को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों केकेआर के खिलाफ 83 रन जड़ने के बावजूद भी नहीं जिता पाए विराट कोहली मुकाबला। केकेआर ने लगाई क्लास तो रो पड़े विराट कोहली ने। महेंद्र सिंह धोनी को याद कर मांगी उनसे मदद और लगाई बड़ी गुहार। सुनने के बाद पूरा भारत देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों आखिरकार दूसरी टीम के होने के बावजूद भी धोनी से मदद मांगते हुए क्या बोल गए ऐसा विराट कोहली, जो सुनने के बाद आपकी भी आंखों में से आंसू जरूर झलक उठेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और धोनी में से कौन अच्छा बल्लेबाज है, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप तो जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम पर आईपीएल का 10वां मुकाबला खेला गया, जहां इस मैच में कोलकाता के कप्तान सुरेश अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों यहां पर विराट कोहली के आगे पूरी केकेआर की टीम झुकती हुई नजर आई। हुआ ये कि जब विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस ने पारी की शुरुआत की तो यहां पर डुप्लेसिस 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए हर्षित राणा की गेंद पर। और दोस्तों फाफ डुप्लेसिस का विकेट जैसे ही गिरा यहां पर पूरा मुकाबला पलटता हुआ नजर आया, क्योंकि विराट कोहली और कैमरॉन ग्रीन ने यहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। इस बीच कैमरॉन ग्रीन ने 21 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 33 रन जड़ डाले, लेकिन आंद्रे रसल को उनका विकेट मिला। और फिर क्या था, यहां पर कैमरॉन ग्रीन के आउट हो जाने के बाद ग्लेन मैक्सवेल 28 रन बनाकर चलते बने, तो रजत पाटीदार के बल्ले से 3 रन निकले, तो अनुज रावत ने भी 3 रन बनाए। लेकिन विराट कोहली ने अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने 4 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 83 रन बना डाले। और उनका साथ निभाने वाले दिनेश कार्तिक कहां पीछे रहने वाले थे, 8 गेंदों पर 20 रन जड़कर उन्होंने पूरा साथ निभाया। और इसी के चलते आरसीबी की टीम 182 रन 20 ओवर में बना पाने में कामयाब हुई। और दोस्तों आपको हम बता दें कि यहां आरसीबी की टीम ने 6 विकेट अपने गवाए और 183 रन का लक्ष्य केकेआर के आगे रखा। अब केकेआर की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, यहां केकेआर की तरफ से फिल शॉल्ट और सुनील नरेन ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाज बखूबी जानते थे कि यहां इतना बड़ा लक्ष्य अगर चेज करना है तो शुरुआत शानदार करनी पड़ेगी। और फिर क्या था, यहां पर छक्के चौकों की बरसात होनी शुरू हो गई। और देखते ही देखते फिल शॉल्ट ने तो यहां पर पहले ही ओवर में मुकाबला पलट दिया, क्योंकि उन्होंने 5 गेंदों पर 17 रन जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए कि वो मैदान पर आखिर क्या करने के लिए उतरे हैं। और फिल शॉल्ट का क्या ही कहना, उन्होंने तो विराट कोहली को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उन्हें आउट किया कैसे जाए, क्योंकि रन पड़ते चले जा रहे थे, सभी गेंदबाज फेल हो रहे थे। और फिर यहां पर सुनील नरेन ने जहां 47 रन बना डाले 22 गेंदों पर, तो फिल शॉल्ट ने भी 30 रन की पारी खेलकर यहां आरसीबी की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। और दोस्तों अब आरसीबी की टीम अपने ही होम ग्राउंड पर बेबस नजर आ रही थी और ये मुकाबला केकेआर के पक्ष में जाता हुआ नजर आया। और फिर भी आपको हम बता दें कि इस मुकाबले में 83 रन बनाने के बावजूद भी विराट कोहली अपनी टीम को मैच जितवा नहीं पाए। इसके बाद विराट कोहली काफी ज्यादा भावुक नजर आए। विराट कोहली कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि ये मुकाबला हमारे हाथ से निकल जाएगा। जब तक हमारी टीम 182 रन चेज कर रही थी तब तक तो मैच हमारे पक्ष में था, लेकिन फिल शॉल्ट और सुनील नरेन ने अच्छी बल्लेबाजी करके हमसे मुकाबले को दूर धकेल दिया। हमारी टीम गेंदबाजी लाइनअप में अभी भी बहुत कमजोर है, हम बिल्कुल भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार अपने गेंदबाजों को किस हिसाब से सेट करें। हमारी टीम कुछ कमियों का सामना कर रही है और अब मैं कोशिश करूंगा कि धोनी भैया से बात करूं, वो लगातार अपनी टीम को जिताते चले जा रहे हैं, वो हमारी जरूर कुछ मदद करेंगे। और फिर आगे विराट कोहली ने यह तक कहा कि इस मैच में अगर श्रेयस अय्यर, फिल शॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल ना होते तो शायद हम मुकाबला जीत जाते। इन खिलाड़ियों के आगे वो भी इस मैदान पर मैच जीतना हमारे लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो दोस्तों आप सभी क्या मानते हैं कि विराट कोहली ने जो कहा है, क्या महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली की मदद करने के लिए तैयार होंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।